गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल नारायण इंस्टीट्यूट. डियर स्टूडेंट, दिस साइड ऑफ सेक्शन चौहान योर इंग्लिश मेंटर, एंड दिस इज अवर सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्रोज, दैट इज द फन दे हैड. डियर स्टूडेंट, द फन दे हैड का ये हमारा सेकेंड पार्ट है. अगर आपने पिछले फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप आई बटन को प्रेस करके उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके. डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास का. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 या फिर 25 के लिए या इन फ्यूचर कभी भी प्रिपेयर करने वाले हैं और चाहते हैं कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में आप 95 प्लस मार्क्स स्कोर करें, तो दिस चैनल इज़ ओनली फॉर यू गाइज. इमीडिएटली सब्सक्राइब दिस चैनल, तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी यहाँ से अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करके 95 प्लस मार्क्स आने वाले बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकें. क्योंकि यहाँ पर आपकी किताब की यानी जो बुक है लिटरेचर पार्ट एंड एज वेल एज जो आपका ग्रामर सेक्शन है, ट्रांसलेशन और जो भी आपके ग्रामर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को बहुत ही डिटेल्ड अच्छे से पढ़ाया जाता है ताकि आप अच्छे से अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें. और आपके बोर्ड एग्ज़ाम से दो महीने पहले आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराई जाती है. तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए. आइए देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का. शॉर्ट द टुडेज क्लास, ये हमारा सिक्स पैराग्राफ है चैप्टर नंबर फर्स्ट का. यहाँ से हमें आज स्टार्ट करना है, पढ़ना है. देखिए, टॉमी लुक्ड एट हर विद हर वेरी सुपीरियर आइज. जब मार्किन ने कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, तब टॉमी ने उसे बहुत ही सुपीरियर निगाहों से देखा. ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल. फिर टॉमी ने कहा क्यों, क्योंकि ये स्कूल के बारे में इसलिए लोग लिखेंगे क्योंकि ये हमारे आज के प्रकार का स्कूल नहीं है. स्टूपिड, बेवकूफ, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. ये पुराने प्रकार का स्कूल है. That they had hundreds and hundreds of years ago, जो कई सौ वर्षों पहले हुआ करता था. He added loftily, pronouncing the word carefully. He added loftily, यानी उसने एक ऐसे तरीके गौरवशाली ढंग से इस बात को कहा. Centuries ago, कई शताब्दियों पहले. Margie was hurt, Margie से hurt हो गई. वेल, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड. मुझे नहीं पता कि तब किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे. ऑल दैट टाइम अगो, उन सभी समय पहले, सी चीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, उसके कंधे के ऊपर से उसने उस किताब को पढ़ा झुक कर. दे सैड, देन सैड, और फिर कहा, एनीवे कोई बात नहीं है, दे हैड अ टीचर. उनके पास भी टीचर रहते होंगे, है ना. आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सेवन पैराग्राफ को और समझते हैं. अब टॉमी कहता है, हाँ, दे हैड अ टीचर, यानी उनके पास भी टीचर हुआ करते थे. इट वॉज अ मैन, और सबसे बड़ी बात कि वो एक आदमी होते थे, मैन होते थे. ठीक, अब टॉमी रिप्लाई देता है उसके बातों का, कहता है श्योर. ठीक है, यहाँ पर देखिए, श्योर द हैड अ टीचर, निश्चित रूप से उनके पास एक टीचर होता था. बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन यह रेगुलर टीचर नहीं होता था. इट वॉज अ मैन, यह एक व्यक्ति होता था. अ मैन, एक व्यक्ति, एक आदमी. हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे शिक्षक हो सकता है, कैसे टीचर हो सकता है. वेल, ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. ठीक है, वो जो लड़के होते थे और लड़कियां होती थी उन्हें क्या करते थे, होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. फिर मार्गी कहती है कि एक व्यक्ति तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता. श्योर ही इज, निश्चित रूप से स्मार्ट होते हैं. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी को भी उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को पता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज, और उन्हें लगभग जितना मेरे टीचर को पता है उतना ही उन्हें भी पता है. आई बेच, मैं शर्त लगाता हूँ, ये टॉमी कहता है. राइट, समझते हैं यहाँ पर. मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, और मार्गी इस बात को लेकर
ठीक है, मतभेद के लिए राजी नहीं थी, यानी वह नहीं चाहती थी कि वो और ज़्यादा इस पर बातें करे, बहस करे। सी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं यह नहीं चाहूँगी कि कोई भी अजनबी व्यक्ति आए मेरे घर में और हमें पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लॉटर। टॉमी हंसते हुए बोला, यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता मच मार्गी, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। ये जो टीचर्स हैं ये घर में नहीं आते थे पढ़ाने, घर में नहीं रहते थे। दी हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, इनके लिए एक विशेष बिल्डिंग होती थी, इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और वहाँ पर सभी बच्चे जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और जो सभी बच्चे थे वो सभी समान चीज़ें पढ़ते थे। ये मार की पूछती है कि क्या जो सभी बच्चे थे समान चीज़ें पढ़ते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज। तो टॉमी कहता है, हाँ अगर उनका एज समान रहता था, वो एक ही समान वर्ष के रहते थे, तो वो सेम ही चीज़ें पढ़ते थे, राइट। अब यहाँ पर जो एट पैराग्राफ है इसे समझते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉयज। लेकिन मेरी माँ तो कहती हैं कि एक टीचर को एक बच्चे के दिमाग के अनुसार समायोजित होना पड़ता है। एंड गर्ल, लड़के या लड़कियों के, इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और हर एक बच्चे को जो ये पढ़ाते थे एक अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू, यही वो बात है जो वो नहीं करते थे। दैट वे देन, जो तरीका आज अपनाया जा रहा है, इफ़ यू डोंट लाइक इट, टॉमी कहता है फिर कि अगर तुम्हें नहीं इसके बारे में तुम नहीं पसंद करते हो इसे, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें किताब नहीं पढ़नी चाहिए। सिंपली आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। फिर मार्गी कहती है, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं स्कूल को पसंद नहीं करती हूँ। मार्गी सेट क्विकली, मार्गी ने झट से कहा, तेजी से कहा, सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। उन्होंने अपनी बातों को आधा भी नहीं ख़त्म किया था कि मार्गी के मदर ने, ठीक है, कहा और बुलाया, मार्गी स्कूल, यानी मार्गी अब तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, उसकी मदर ने ऐसा कहा। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने देखा, नॉट येट ममा, अभी नहीं ममा, नाउ सेड मिसेस जोन्स। फिर मिसेस जोन्स ने कहा, नहीं अभी अभी, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और मुझे लगता है कि टॉमी के भी स्कूल का समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद थोड़ा इस किताब को तुम्हारे साथ और पढ़ सकती हूँ। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है जो पैराग्राफ नंबर 8 है। 9 और 10 पैराग्राफ अभी आपका बच रहा है, ठीक है। बचे हुए जो पैराग्राफ्स आपके हैं ये हम कल की वीडियो में अच्छे से समझेंगे। आई होप अब तक के पैराग्राफ्स में कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप, क्या यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया। अगर ना समझ में आया तो वो भी लिखिए, कितने परसेंट समझ में आया आप बता सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल सुबह 7 o'clock पर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमॉरो, हैव अ गुड डे।